एक लड़की को ऐसे लड़की से प्यार हुआ जिसे उसके हिसाब से वो पा नहीं सकती थी। जब वो डेट करने लग गए तो उस लड़की का सीक्रेट सब कुछ बर्बाद कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आउट ऑफ माइली ये 2020 की एक रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बहुत ही अच्छी फील गुड मूवी है, तो अंदर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मार्था, इसका बचपन हमें दिखाया जाता है। अपने फ्रेंड्स के साथ वो अपनी वेडिंग को सेलिब्रेट कर रही थी। उसकी फैंटेसी थी कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बैकमैन के साथ उसकी शादी हो। इसके बाद जब वो बड़ी हुई तो हमसे वो बात करती है, कहती कि हर एक मूवी में दिखाया जाता है कि बचपन की एक छोटी सी लड़की जो अगली थी बाद में जाकर बहुत ही ब्यूटीफुल बन गई, पर वो मेरे साथ केस नहीं है। बचपन में जैसी दिखती थी वैसी वो अब भी दिखती है। आज वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने घर में मूव हो रही थी। उसके फ्रेंड का नाम था जैकोबो और बचपन से वो बहुत ही फैशनेबल था। घर में आते ही तुरंत उसके फ्रेंड्स रूम्स को लेकर झगड़ने लग जाते हैं। उसके फ्रेंड्स में फेडरिका भी थी। फेडरिका हमेशा से बहुत ही स्मार्ट थी। जब वो 13 ईयर्स की थी तभी अपने पेरेंट्स को उसने बता दिया था कि वो लेस्बियन है। सबसे बड़े रूम को लेकर इन सब में झगड़ा होने लग गया था, तो मार्था लिस्ट बनाने लग गए, पर ये पिलो फाइट करने लग जाते हैं। इन तीनों में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप थी। अचानक से डस्ट की वजह से मार्था को जरा तकलीफ होने लग गई। वो हमसे कहती कि मुझे एक बीमारी है, मुकोविस्कोडियोसिस, शायद इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत किया। इस बीमारी की वजह से ज्यादा डस्ट की जगह पर वो नहीं जा सकती, ज्यादा एग्जॉशन नहीं कर सकती। इसी के साथ साथ पानी जहाँ पर होता है वैसे प्लेसेस पर वो नहीं जा सकती। उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम है, अगर उसे अटैक आता है तो कभी भी मर सकती है। मार्था हमसे कहती है कि सबसे बुरी बात यह है कि जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, मेरी जैसी बीमारी जिस लड़की को होती है उसके पास एक बहुत ही हॉट सा बॉयफ्रेंड होता है, पर वो मेरे पास नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी हमेशा से फनी और अपलिफ्टिंग है। अभी अभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसी वजह से घर में मूव हो रहे थे। अभी जो उसे अटैक आया था इसके बाद वो डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर उसे कहते हैं कि जो फिजियोथेरेपी हम तुम्हारे लिए कर रहे थे अब वो काम नहीं कर रही, वैसे इसमें ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, अब भी तुम्हारी हेल्थ फाइन है। उसे एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए कहते हैं। मार्था एक सुपर शॉप में डिस्काउंट अनाउंसमेंट करने का काम करती थी, जो उसे बहुत पसंद आता है। जब भी अनाउंसमेंट करती है तो अपनी सिलेक्टिव सी वॉइस में करती है, जिससे सारे लोग वही के वही थम जाते हैं। उसकी आवाज की वजह से हमेशा कोई ना कोई कस्टमर उसे मिलना चाहता है, पर वो किसी को भी भाव नहीं देती। घर पे वो टिंडर पर स्वाइप कर रही थी और उसके फ्रेंड्स बाहर जा रहे थे। वो स्वाइप राइट भी ऐसे लड़के को करती है जो कभी भी उसे भाव नहीं देंगे। वो कहती कि ऐसा रिजेक्ट होने का मजा ही कुछ अलग है। उसके फ्रेंड्स उसे इस तरीके से घर पर नहीं रहने देने वाले थे, तो जबरदस्ती उसे ड्रेसअप कराकर पार्टी में लेकर जाते हैं। फेडरिको और जैकोबो आज उसे कुछ बताना चाहते थे, पर इस बात के लिए वो नर्वस थे। वो उनकी कुछ बात सुन पाती इससे पहले उसे एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का दिखता है। ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है आर्तुरो। आर्तुरो के पास मार्था का एक फ्रेंड बैठा हुआ था, तो उसके साथ बात करने का वो प्रिटेंड करती है। वो आर्तुरो की सारी बातें सुन रही थी। उसका नाम पता चलने के बाद सोशल मीडिया पर उसे ढूंढने लग गए, पर उसे मिलता नहीं। उसने नोटिस किया कि उसका फ्रेंड आर्तुरो को जानता है, तो उसके फोन को उसने चोरी कर लिया। आर्तुरो के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स खुद को उसने फॉरवर्ड कर दिया और इसमें अपने फ्रेंड का फोन नीचे गिर जाता है। बेचारा हर जगह उसे ढूंढते ही रह गया था। इन्फो मिलने के बाद हर जगह पर उसे स्टॉक करने लग गए। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वो निकाल लेती है। एक्साइटेड होकर अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए गई, तो उसने नोटिस किया कि फेडरिको और जैकोबो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। ये उसे बहुत ही वियर्ड लगता है क्योंकि फेडरिया लेस्बियन है और जैकोबो गे है। उन्होंने डिसाइड किया था कि उन्हें एक बेबी चाहिए और इसी वजह से ये तरीका उन्होंने अपनाया हुआ था। उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की थी। ये सब मार्था के लिए बहुत ही वियर्ड था। उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों को मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। आर्तुरो एक प्राइवेट क्लब में गायकिंग करता था, तो उसे स्टॉक करने के लिए मार्था जैकोबो को लेकर आती है। उसे उन्होंने अंदर जाते देखा तो उसका पीछा करता है। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उन्हें कहती है कि ये प्राइवेट क्लब है, अब इस तरीके से अंदर नहीं जा सकते। मार्था उसे अपनी बीमारी के बारे में कहती है। उसने कहा कि मेरे पास एक बकेट लिस्ट है, उस लिस्ट में इस क्लब में जाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेप्शनिस्ट को उसके लिए बुरा लगा और यहाँ की ट्रिप देने के लिए वो मान गए। इस ट्रिप के बीच में से वो भाग जाती है और आर्तुरो को देखने लग गए। वो उसके लॉकर रूम में चली गई और उसकी सारी चीजें वो देख रही थी। वो आज जहाँ पर भी जा रहा था उसके वो पीछे पीछे ही जाती है। वो जिस स्पून से लंच कर रहा था ये स्पून उसने चोरी कर लिया। जिस बुक्स को उसने हाथ लगा ये वो बाय कर लेती है। वो इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से रख रही थी। उसे आर्तुरो के बारे में पता चला था कि उसके फादर कायाकिंग किया करते थे और इसी वजह से वो कम्पीट कर रहा है। उसके ग्रैंडफादर ने इंजीनियरिंग की थी और इसी वजह से वो भी वही कर रहा था। उसके खुद के लाइफ डिसीजन कुछ भी नहीं थे। मार्था को अभी फेडरिको और जैकोबो में जो रिलेशनशिप थी बहुत ही अजीब लग रही थी। वो जैकोबो से पूछती है कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो, मेरी डेथ हो जाएगी, क्या इसी वजह से तुम अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हो। जैकोबो कहता है कि मैं मेरी चाइल्ड की लाइफ अच्छी कर सकता हूँ, और मार्था का इलनेस ये उसके पीछे का रीजन था ही।
फेडरिको और याकोबे अकेले नहीं पढ़ना चाहते थे। मार्ता यह बात समझ सकती थी और ये सब वो एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट डे जब वो जॉगिंग के लिए आए थे तो उसे पूछते हैं कि आर्तुरो का क्या हुआ। मार्ता कहती कि उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत ही बोरिंग है, जिन लोगों का वो फ्रेंड है वो सब लोग बहुत प्रिटेंशियस है, लोग जैसा कहते वो वही करता है, अपने खुद की डिसीजन नहीं लेता। जब ये सब बात वो कह रही थी तो आर्तुरो उसके पीछे ही था। उसे पूछता है कि तुम मेरे आसपास ही क्यों घूमती रहती हो, आखिर में तुम चाहती क्या हो। मार्ता कहती कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, अगर हम दोनों में कोई भी केमिस्ट्री ना हो तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। आर्तुरो कहता है कि साल में एक बार मैं चैरिटी करता हूँ तो इस बार तुम्हें डेट दे देता हूँ। इसके लिए मार्ता बहुत ही एक्साइटेड होगी। आज जब वो अनाउंसमेंट कर रही थी तो 40% के अलावा 40 सेंट्स बोल देती है। ये सुनकर शॉप के सारे लोग बहुत ही ज्यादा बाय करने लग गए। उसका बॉस इस बात को लेकर उसे बहुत डांटता है। इसके बाद शाम में उसके फ्रेंड्स उसके लिए कपड़े ढूंढते हैं। उसने बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई किए और फाइनली वो रेडी हो गई। आर्तुरो की जब वो एड्रेस पर पहुंची तो उसका इतना बड़ा घर है, ये चीज वो बिलीव नहीं कर पाती। आर्तुरो की मदर बाहर आती है तो उसके मुंह से एक भी बात बाहर नहीं आती। आर्तुरो ने मार्ता को इंट्रोड्यूस किया। मदर को नहीं पता था कि मार्ता भी उन्हें डिनर के लिए ज्वाइन कर रही है। ये एक फैमिली डिनर था। इस डिनर पर आर्तुरो के पेरेंट्स उनके फ्रेंड की बेटी के साथ उसे सेटअप करने वाले थे। उन्हें गुस्सा देने के लिए उसने मार्ता को बुलाया हुआ था। फ्रेंड की जो बेटी है इसका नाम है बीट्रिस। मार्ता को यहाँ पर देखना उसे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता। आर्तुरो के पेरेंट्स उसे पूछते कि तुम दोनों मिले कैसे। आर्तुरो कहता है कि मैंने इसे 1 महीने पहले देखा था और देखती मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इस तरीके से प्रिटेंड करना मार्ता को अच्छा नहीं लगा और जो भी हुआ था ये सब कुछ सच सच वो बता देती है। आर्तुरो के फादर ने पूछा कि तुम करती क्या हो। वो कहती कि मैं साइकोलॉजी स्टडी कर रही हूँ पर मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। वो अपने बारे में सब कुछ ओपनली बताती है और गुस्से में वहां से जाने लग गई। आर्तुरो उसके पीछे आया। मार्ता उसे कहती कि अगर कोई चीज करने का तुम्हारा मन ना हो तो तुम ना कह सकते हो, अब हम दोनों हमारी लाइफ में लौट जाएंगे। वो जल्दी घर पर आए तो उसके फ्रेंड्स उसे सपोर्ट देते हैं। जो भी हुआ था इस वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था, किसी भी चीज में मन नहीं लगता। तो उसके डोर के नीचे से आर्तुरो ने उसे एक लेटर भेजा। उसे पूछता है कि क्या इस बार तुम मेरे साथ रियल डेट पर चलोगी। मार्ता गुस्से में कहती कि मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। बाद में वो रियलाइज करते कि उसे तो जाने का मन था तो उसने डोर ओपन कर लिया। उसे शाम में पिकअप करने के लिए अपना घर का एड्रेस और टाइम बता देती है। आर्तुरो शाम में उसे एक बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर गया। यहाँ का मेन्यू भी बहुत ही डिफिकल्ट था जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आर्तुरो मार्ता के लिए ऑर्डर देता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने लग गए। मार्ता कहती है कि खुद को डिस्क्राइब करो। वो कहता है कि मैं जनरस हूँ, इम्पेशेंट हूँ और वेरी हूँ। उससे पूछता है कि तुम मुझे लाइक क्यों करती हो। मार्ता ने कहा कि तुम बहुत ही हैंडसम हो। वो कहता है कि अगर तुम कुछ भी चीज विश कर पाओ तो तुम क्या करोगी। मार्ता कहती कि मैं विश करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स अब भी जिंदा होते। मार्ता को जो बीमारी है वही उन्हें भी थी और बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। ये सब डिनर पर बात करना बहुत ही डिप्रेसिंग हो गया था। वो कहती कि मैं मेरी विश चेंज करती हूँ, वो यहाँ का खाना नहीं खाना चाहती थी। ये सुनने के बाद आर्तुरो और वो वहां से गायब हो गए। मार्ता उसे डायरेक्टली अपने सुपर शॉप में लेकर आई। किस से वो लाइट लगाती है और इसके बाद अनाउंसमेंट देने के लिए चली गई। उसे गाइड करती कि फूड आइटम्स उसे कहाँ पर मिलेंगे। उसने सब कुछ पिक किया और फिर गार्डन के सेक्शन में वो चले गए। मार्ता उसे पूछती है कि तुमने अपने लाइफ में आई लव यू कितने बार कहा है। आर्तुरो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं कहा। मार्ता कहती है तुम्हारी तो 2 साल की गर्लफ्रेंड थी, उसका क्या हुआ। आर्तुरो कहता है कि मैंने आई लव यू नहीं कहा, उसी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ था। उसे पूछता है कि जब तुम 60 साल की हो जाओगे तब खुद को कैसे देखती हो। इस बात से मार्ता को सैड लगा पर अपनी बीमारी के बारे में फर्स्ट डेट पर वो नहीं बता सकती। तो उसे कहती है कि मेरे एक ऑथर के साथ शादी हो गई होगी, उसे 3 चिल्ड्रन होंगे और वो बहुत ही खुश होगी। मार्ता उसे पूछती है कि क्या तुम्हें प्लानिंग अच्छी नहीं लगती। आर्तुरो कहता है कि मेरे फ्रेंड्स फैमिली इन्हीं सब लोगों ने मेरे पूरे लाइफ के डिसीजन लिए है। इन्होंने फिर बहुत सारे अलग अलग चीजों पर बात की और इनका डिनर डेट बहुत ही अच्छा गया था। वो घर आने पर उसे पूछती है कि जिन भी लड़कियों के साथ तुम डेट पर गए हो क्या मैं उन सब से बहुत ही अगली हूँ। आर्तुरो हंसकर इस पर ना कहता है पर मार्ता को बताता कि वो झूठ बोल रहा है। आर्तुरो पूछता है कि जैसे तुमने इमेजिन किया था क्या ये डेट वैसे ही थी। मार्ता इसके लिए हाँ कहती है। उसने उसे पूछा कि क्या तुम ऊपर आना चाहते हो तो आर्तुरो इसके लिए हाँ कहता है। इसके बाद वो ऊपर आए और इंटीमेट होने लग गए। मार्ता लाइट बंद कर रही थी पर आर्तुरो कहता है कि मुझे तुम्हें देखना है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। अगली सुबह अपने क्लास की वजह से वो चला जाता है। उसे जाता देख मार्ता के फ्रेंड्स उसे पूछते कि तुम दोनों में चल क्या रहा है। मार्ता कहती कि अब तक मुझे पता नहीं है। वो घर पर आया तो उसके पेरेंट्स उसकी डेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसकी मदर कह रही थी कि सिर्फ हमें चिढ़ाने के लिए ये सब चीजें वो कर रहा है। फादर को मार्ता पसंद आई थी क्योंकि एक्चुअल में वो स्मार्ट है। आर्तुरो मार्ता को टेक्स्ट करता है और कहता है कि आज रात तुम करके आ रही हो। मार्ता कहती है कि एक म्यूजिक के प्लेस पर हम चलते हैं। मार्ता उसे कैरियोकी के लिए लेकर आई थी। आर्तुरो कहता है कि मैं सिर्फ बाथरूम में सिंग करता हूँ। उसे वहां छोड़कर रेस्टरूम में चली गई और जब वो वापस आए तो आर्तुरो उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना गाता है। इसके बाद इनकी डेटिंग लाइफ स्टार्ट हो गई थी। जितनी वियर्ड चीजें मार्ता करती थी इन सब में आर्तुरो उसका साथ देता था। एक दिन जॉगिंग करते हुए मार्ता को खांसी आने लग गई पर इस बात को टाल देती है।
आर्थर ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपना रेगुलर चेकअप करने के लिए डॉक्टर के पास आके अपनी रिलेशनशिप से वो बहुत खुश थी। फ्रेडरिका उसे कहती है कि तुम्हारी रिलेशनशिप अब आगे बढ़ रही है, तुम्हें आर्थर को सब कुछ सच सच बता देना पड़ेगा। मार्था कहती कि मेरे पास जो भी मोमेंट है ये मुझे बहुत ही प्रेशियस लगता है और सब कुछ सच सच बताकर इसे वो बर्बाद नहीं करना चाहती। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था। नेक्स्ट डेट पर आर्थर उसे एक बहुत ही बड़े पैलेस में लेकर आता है। पूरे पैलेस की उसके पास चाबी थी। अपनी कीज से उसने फाउंटेन स्टार्ट कर दिया। मार्था को जो कलर पसंद था यही कलर की उसने उसे बना दिया। इसके बाद उसे बोटिंग के लिए लेकर आता है। जैसे कि हमें पता है कि मार्था वेट प्लेसेस पर नहीं जा सकती, पर फिर भी आर्थर को कुछ भी बताती नहीं। उसे ठंड लग रही थी तो आर्थर ने अपना जैकेट उसे दिया। उसे कहता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। मार्था कहती कि ऑफ कोर्स करती हूं। आर्थर ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अचानक से मार्था को खांसी आने लग गई, उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और नीचे पानी में वो गिर गई। उसने आर्थर से कहा कि मैं ठीक हूँ और इसके बाद वो वहां से भाग जाती है। डायरेक्टली वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। डॉक्टर का उसके फ्रेंड्स को कॉल आता है जो उसके लिए बहुत ही वरीड थे। डॉक्टर रिपोर्ट्स लाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक इन्फेक्शन है, ज्यादा कुछ ये सीरियस नहीं है, तुम्हें फ्यूचर में और भी ख्याल रखना चाहिए। उसके फ्रेंड्स उस पर गुस्सा थे और कहते कि तुम्हें इस तरीके से रिस्क नहीं लेनी चाहिए, अगर उसने ख्याल रखा तो 50 साल से भी वो ज्यादा जी सकती है। मार्था कहती है बहुमुशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जो आर्थर के साथ उसकी मेमोरीज है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसके पास अगर कम भी टाइम हो फिर भी वो डिजर्व करती है। फ्रेंड्स के जाने के बाद मार्था ने डॉक्टर से बात की। वो कहती कि मैं बहुत सारे डॉक्टर बदल सकती थी, पर मुझे पता होता है जब आप झूठ कहते हो। मुझे सच बताइए कि मेरे पास कितना टाइम है। डॉक्टर कहते कि अब तुम्हारी कंडीशन रैपिडली खराब होती जा रही है, इस बीमारी से बचने के लिए तुम्हें ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी, वरना तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम है। आर्थर मार्था को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाता। मार्था ने अपने फ्रेंड्स को आर्थर के मैसेज को रिप्लाई देने से मना किया था। वो जब घर पर आए तो उसके घर के बाहर ही उसका वेट कर रहा था। उसे कहता है कि मैंने हर जगह पर तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, हुआ क्या था। मार्था कहती कि बाद में तुम्हें कैसे बताओ। मार्था कहती कि तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तुम मुझसे प्यार करते हो पर मैं तुमसे नहीं करती। आर्थर कहता है कि तुम ये सब कह क्यों रही हो, मुझसे क्या गलती हो गई। मार्था अब उसकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती थी। उसे कहती कि तुम अब भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, अपनी लाइफ की डिसीजन खुद नहीं लेते, मैं एक ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती। ये सब कहकर वो चली गई। आर्थर इन सब बातों से बहुत ही सैड हो गया था। उसके फ्रेंड्स उसे क्लब में लेकर आते हैं। क्लब में उसके पास बियट्रिस आई, वो खुद उसे किस कर लेती है। आर्थर के फ्रेंड्स ने इसकी वीडियो बना ली थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद उसे घर पर लेकर गए और उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर आर्थर इसके लिए उसे मना कर देता है। कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो सिर्फ मार्था से बदला लेने के लिए किया ऐसा होगा, वो उसे हर्ट नहीं कर सकता। वो रात में बहुत ही लेट घर पर आता है। उसकी मदर कहती कि तुम थे का, हम तुम्हारे लिए बहुत वरीड थे। उसे मार्था के बारे में पूछते हैं। आर्थर ने कहा कि उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मदर इस बात से सरप्राइज थी तो आर्थर कहता है कि हर कोई हमारे प्रॉपर्टी के पीछे नहीं होता। मदर कहती कि हमारे पैसों की वजह से ही तुम्हें सब कुछ फैसिलिटीज मिली है, तुम अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी पा रहे हो। आर्थर कहता है कि मेरी लाइफ का कोई भी डिसीजन मेरा खुद का नहीं है, वो इसके लिए अपनी मदर को ब्लेम कर रहा था। मदर कहती कि मैंने तुम्हारे फादर से शादी तुम्हारे ग्रैंडफादर की मर्जी के खिलाफ की थी, वो इस बात से मुझ पर बहुत ही गुस्सा थे और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जब मैंने तुम्हारे फादर से शादी की तो उस दिन मुझे लग रहा था कि वो शादी में प्रेजेंट हो, पर वो नहीं आए। तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ हो जाने के बाद उन सब चीजों में मुझे एक लेटर मिला, उसे मुझे पता चला था कि वो उस वक्त मेरी वेडिंग में आए हुए थे। हमारे पास हमारे लाइफ की डिसीजन लेने की हर बार एक चॉइस होती है, तुम्हें अब अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। नेक्स्ट दिन में मार्था डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए आई हुई थी। बियट्रिस भी उसी हॉस्पिटल में ही थी क्योंकि उसके फादर डॉक्टर है। अपने फादर से मार्था के बारे में पूछ लेती है, उसे सारी सिचुएशन के बारे में पता चल गया। मार्था ने बियट्रिस और आर्थर की वीडियो देख ली थी और इस बात से अपसेट थी। बियट्रिस मार्था से मिलकर उसे कहती है कि आर्थर तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें अपनी कंडीशन के बारे में सब कुछ सच सच उसे बता देना चाहिए। मार्था कहती कि मैंने तुम दोनों का वीडियो देखा था, उसमें से तो नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करता है। बियट्रिस ने उसे कहा कि उस वीडियो में मैंने उसे किस किया था, मैं उसे घर लेकर गई थी पर वो वहां से चला गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याकूब अपनी बेबी की डिसीजन को लेकर स्ट्रगल कर रहा था। वो कहता है कि अगर हमें किसी और से प्यार हो गया तो हमारे बेबी का क्या होगा। फ्रेडरिका कहती कि मेरे पेरेंट्स का भी डिवोर्स हुआ था, कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। याकूब कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, हम दोनों का क्या होगा। फ्रेडरिका ये बात समझ सकती थी और कहती कि बेबी की डिसीजन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। मार्था डायरेक्टली आर्थर के पास आती है।
जिस तरीके से आर्थुरो ने उसे मनाने के लिए दरवाजे के नीचे से नोट भेजा था वैसे उसे लिखकर आई लव यू कहती है। उसे बाहर से सॉरी कह रही थी पर आर्थुरो डायरेक्टली उसे किस कर लेता है। अपनी कंडीशन के बारे में सब कुछ चीजें उसे बता देती है। वो कहती कि मैं बीमार हूँ इस वजह से तुम मुझे डेट करो ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है। मेरी हालत बहुत ही खराब है और कुछ भी हो सकता है। हमने अगर रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया तो कभी भी मुझे प्रॉब्लम आ सकता है। आर्थुरो को इन सब बातों से बहुत बुरा लगा। वो कहता है कि रिलेशनशिप तो ऐसे ही होती है कभी कभी कपल्स एक दूसरे पर चीट कर देते हैं एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर देते हैं उनमें भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज जो हमारे पास ये मोमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टाइम इनके पास बचा था उसी के साथ स्पेंड करना चाहता था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एक दिन भागते भागते आर्थुरो मार्था के पास आया। वो कहता है कि एक डॉक्टर ने तुम्हारी बीमारी के बारे में रिसर्च किया है इससे तुम्हारे जीने के चांसेस 19% से बढ़ जाएंगे। मार्था कहती कि ये तो तुम्हारा जैसा लड़का मुझे मिलने के चांसेस से ज्यादा है तुम मेरे साथ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दोनों अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही होपफुल थे। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का डिसाइड करते हैं। जो फेरी टेल बचपन में मार्था हमेशा इमेजिन करती थी ये फाइनली कंप्लीट होगी। इसी के साथ ही ब्यूटीफुल सी मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज एक्सप्लेन करता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।